हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको इंदुलेखा ऑयल के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर ऑयल है। यानी कि इंदुलेखा ऑयल जो इस तरह का कंटेनर है, काफ़ी प्यारा कंटेनर उन्होंने बनाया हुआ है। काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट है, जो कि 432 MRP की ये प्रोडक्ट है और 100 ml का पैकेज है मेरे पास। सो ये इंदुलेखा विमराज ऑयल है। ये मेडिसिन के रूप में आप इसे यूज करेंगे, जैसे हम लोग दवा वगैरह यूज नहीं करते उस तरीके से ये इसे यूज करना है। आपको हफ्ते में 2 बार इसे अप्लाई करना है, आपके जड़ों के लिए अप्लाई करना है। ये वाकई आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। बहुत जैसे कि बहुत लोगों के हेयर्स जो होते हैं झड़ जाते हैं, उगना भी बंद हो जाते हैं, तो उनके लिए बेस्ट है। ये जड़ों मिजा के अच्छे से बालों को ग्रो करता है, वहाँ पर उगना भी शुरू कर देता है, जो कि गंजापन होने की शिकायतें रहती है उनके लिए भी बेस्ट है। तो गाइस, इसे जब भी आप इसे यूज करेंगे तो आपके बालों को अच्छे से वॉश होना चाहिए और अपने जड़ों तक ही इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन गाइस, ये काफ़ी कॉस्टली प्रोडक्ट मुझे लगता है। बहुत लोगों के लिए तो सही है, बहुत लोग इसे ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी ये ऑयल बार बार यूज करने में। एक बार तो मान लीजिए वो ले सकते हैं, बट बाद में नहीं ले सकते। तो उनके लिए मैं ये कहूँगी, आप उनके बालों में जो है वो दूसरा ऑयल यूज कर सकते हैं। जैसे लंबे बाल हैं आपके, तो ये सोच रहे हैं कि मैं पूरे बालों में से अगर यूज करूँगी, अप्लाई करूँगी, तो ये ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी, इतना सारा ऑयल फिर से हम कैसे लेंगे। तो उनके लिए मैं कहूँगी कि ये ऑयल जो है आप अपनी जड़ों में अप्लाई करें। बालों के लिए तो आप कोई नॉन स्टिकी या आलमंड ऑयल, बिकनी ऑयल, हल्की ऑयल जो होती है वो आप इसे यूज कर सकते हैं। और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक तब आपको चलेगा ये प्रोडक्ट। और जैसे कि बालों में ये प्रॉब्लम्स हमेशा रहती है, बालों की झड़ने वाली प्रॉब्लम, ये उनके लिए बहुत ही बेस्ट आने वाला प्रोडक्ट है। तो मैं आपको सिंपल सी बात बताना चाहूँगी कि ये प्रोडक्ट के काफ़ी सारे फायदे हैं, बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट्स होने वाला है, जो कि इसे बहुत लोग इसे यूज करते हैं। इनका रिस्पॉन्स मैंने देखा हुआ है, जिसका बाल बहुत झड़ना कम हो गया है। और पहले तो ये बालों को कंट्रोल करने वाला है, जो कि झड़ते हुए बालों को कंट्रोल करेगा, उसके बाद वो बालों में थोड़ी ग्रो करेंगे। तो गाइस, धीरे धीरे करके ये बालों में प्रॉब्लम्स आ रही है। बहुत लोगों को जल्दी उसका बेनिफिट समझ में आ जाता है, बहुत लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसा कुछ इस प्रोडक्ट में है। और ऐसा कुछ जो है कि गाइस, बहुत लोगों ने हमसे ये कहा कि बालों के लिए कोई बेस्ट ऑयल तो है, बट अप्लाई करने का जो रीज़न है, आप लोग अप्लाई करते नहीं हो, उसके बाद वो कहते हो कि बाल बहुत झड़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कहीं आप मिस्टेक नहीं करेंगे, सिंपल तरीके से आप बालों को अच्छे से वॉश करेंगे, उसके बाद ये ऑयल यूज कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हम शैम्पू कौन सा ऑयल यूज़ करें इसके लिए, तो गाइस, शैम्पू आप जो अप्लाई करते हो वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको अगर इसी का शैम्पू यूज करना है, तो इसी का एक शैम्पू भी आता है इसका, तो आप इसे यूज कर सकते हो। बट गाइस, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, कॉस्टली पड़ जाएगा, तो उनके लिए ऑयल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यूज कर सकते हैं और जिसको ले सकते हैं, जो लोग वो तो ले ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि जो नहीं समझ में आया, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में से कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, बाय।